ओम शांति। आज का स्वमान मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। चिंतन हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है? योग अभ्यास मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हूं। सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। हद की सर्व इच्छाओं से परे संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैला रही हूं। संतुष्टता का वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैलाने का अभ्यास करें। चलें आज चेक करते हैं अपने मन की तिजोरी को, जिसमें मुझात्मा की सारी संपत्ति है, ज्ञान के रत्न, गुणों के हीरे और शक्तियों की मणियां हैं। चेक करें अपने खजानों को, सारे खजाने भरपूर हैं। कहीं कोई लीकेज तो नहीं है? सूक्ष्मता से चेकिंग करेंगे। लीकेज अर्थात हद की इच्छाएं, जहां हद की इच्छाएं होंगी वहां पर ये बेहद के खजाने टिक नहीं पाएंगे। हद की इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं आत्मा इतना बिजी हो जाती हूं कि मेरा इन अविनाशी खजानों की तरफ ध्यान ही नहीं रहता और पता भी नहीं चलता कि कब माया आकर मेरी सारी अविनाशी संपत्ति को चुरा ले जाती है। मेरी सारी संकल्प शक्ति हद की इच्छाओं के पीछे भागते भागते
खर्च हो जाती है। ज्ञान के रत्न लुप्त हो जाते हैं और गुणों की बजाय अवगुण इमर्ज होने लगते हैं। तो चेक करें मेरे सभी अविनाशी खजाने मन रूपी तिजोरी में भरे हुए हैं। स्वयं को स्मृति दिलानी है कि मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा हूं, सदा संतुष्ट हर बात में कल्याण समाया है। सर्व प्राप्तियों की खान मुझे मिल गई है। अब हद के कंकड़ पत्थरों के पीछे मन को भटकाना नहीं है। स्वयं भगवान सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं। अमूल्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडार भर रहे हैं। जितना जितना इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को मैं दान करते जाऊंगी, मेरे भंडारे भरपूर होते जाएंगे। मन श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों से चमकता रहेगा। जितना जितना मैं आत्मा अपने कर्मों के द्वारा संबंध संपर्क में गुणों का लेन देन करती रहूंगी, उतना ही मेरे भंडारे गुणों के हीरों से सजते जाएंगे। परिस्थितियों में समृद्धि स्वरूप होकर जितना जितना मैं शक्तियों को यूज करते जाऊंगी, उतना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन मैं आत्मा दिव्य मणि के समान चमकती रहूंगी। तो याद दिलाई स्वयं को, मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं संपूर्ण तृप्त आत्मा हूं। ये स्वमान सर्वश्रेष्ठ स्वमान है। सारी हद की प्राप्तियां संतुष्ट मणि आत्मा के पीछे पीछे
परछाई बनकर आती है। मुझ संतुष्ट मणि की किरणें सारे वायुमंडल में फैल रही हैं, सर्वात्माओं को संतुष्टता के प्रकंपन पहुंच रहे हैं, उनके मन शांत और शीतल हो रहे हैं, इच्छाओं और प्राप्तियों की हलचल स्थिर हो रही है, वे स्टेबल हो रहे हैं और संतुष्टता की खुशबू को महसूस करने लगे हैं।
ज्वाइन पावर ऑफ सकाश। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।